नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चिंता यादव। लोकसभा चुनाव में अब एक महीने से भी कम का समय बचा है। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता अपने अपने प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल हो रही हैं। एक ओर बीजेपी जहां 400 पार के नारे को लेकर चल रही है, वहीं तीसरी बार राजस्थान में क्लीन स्वीप करने की तैयारी भी कर रही है। तो वहीं कांग्रेस बीजेपी की रथ रोकने की पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने चुनावी रणनीति बदलते हुए नजर आ रही है। वैसे तो बीजेपी परिवारवाद पर हमेशा प्रहार करती है, लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी ही पार्टी के बनाए नियम को तोड़ दिया है। मोदी सरकार में विधानसभा चुनाव 2023 में यह फैसला किया गया था कि एक ही परिवार से दो सदस्यों को चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा, जबकि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने राजसमंद से महिमा विश्वेश्वर सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जो नाथ द्वारा विधानसभा सीट से विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ की पत्नी हैं। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र सीधा न्यूज रूम लाइव हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव में महज एक महीने का समय बचा है, दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, यानी कि 25 लोकसभा सीटों की बात कर ले तो 24 सीटों पर ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस की बात कर ले तो एक सीट पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, वो है बांसवाड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पार्टी रणनीति बनाती है, जो नियम बनाती है, वही खुद तोड़ते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल चंदा, देखिए आपका सवाल बड़ा ही लाजमी सवाल है, क्योंकि लगातार अब जो है वो लोकसभा चुनाव के समीकरण और तस्वीरें रोजाना अपनी रंग बदलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर अब बीजेपी पर एक सबसे बड़ा सवाल या निशान लगता हुआ नज़र आ रहा है कि जो बीजेपी हमेशा परिवारवाद पर हमला करती है और एक रणनीति बनाती है कि एक चेहरा एक टिकट, लेकिन देखिए कि 400 पार को नारा देने वाली बीजेपी अब किस तरीके से अपनी ही बनाई हुई रणनीति को कैसे तोड़ती है, उसका एक ताजा उदाहरण है कि राजसमंद सीट। अब देखिए कि राजसमंद सीट से जो विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, विश्वेंद्र सिंह वो विधायक हैं और उनकी पत्नी जो है वो लोकसभा उम्मीदवार है। अब देखिए कि 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए बीजेपी किस हद तक जा रही है, उसकी हम कल्पना जरूर कर सकते हैं जी। बात कर लेते हैं इधर से, दो सीटों में जरूर पेच फंसा हुआ है, इधर से बीजेपी में भी कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे वागड़ बांसवाड़ा डूंगरपुर की, यहां पर कांग्रेस को जो है वो अब तक कोई उम्मीदवार नहीं मिल पाया है, तो यहां पर चंदा कयास लगाए जा रहे हैं कि बाप पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो है यहाँ पर गठबंधन हो सकता है। ठीक है सुरेंद्र, ऐसे में राजसमंद सीट की बात कर ले, कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान किया है सुदर्शन से रावत का, लेकिन अब सुदर्शन रावत का खुद कहना है कि वो वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में ये सवाल भी उठना बेहद लाजमी है कि क्या पार्टी पहले सलाह मशवरा नहीं करती है चुनाव, यानी कि टिकट देने से पहले, क्योंकि साफ तौर पर सुदर्शन ने कहा है कि मैं अभी दो माह पहले ही गया था विदेश के दौरे पर, मैं वहां से चुनाव नहीं लड़ूंगा। देखिए चंदा, राजसमंद सीट पर हाल ही में 4 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में सुदर्शन सिंह फिर मैदान में थे, उनको वहां से हार मिली, लेकिन एक बार फिर से पार्टी ने जो है वो कुछ जातिगत समीकरण को देखते हुए जो है वो उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, उनको टिकट दिया। लेकिन अब आप देखिए कि सुदर्शन रावत जब इंडिया में ही नहीं है, भारत में ही नहीं है, और उन्हें जब सूचना लगती है कि टिकट मिल गया है, तो वो भी एक तरीके से भौचक के रह गए। उन्होंने तुरंत प्रभाव से जो है वो गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र लिखा और कहा कि जरूर नहीं है कि एक ही उम्मीदवार को दो दो बार मौका दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि योग्य उम्मीदवार, युवा उम्मीदवार जो इस चुनाव को जीता सकता है, आप उस चेहरे को आप जो है वो टिकट दीजिए। लेकिन अब यहां पर देखिए कि कांग्रेस पार्टी के सामने जो नाव है कांग्रेस पार्टी की, अब उस कांग्रेस पार्टी की नाव में चंदा इतने छेद हो चुके हैं कि पार्टी खुद कंफ्यूज हो गई है कि हम ये चुनाव जीतेंगे या हारेंगे। ठीक है, ऐसे में सुरेंद्र, क्या अगर राजसमंद सीट से बात कर ली, सुदर्शन रावत ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है, क्या पार्टी ने अल्टरनेट ऑप्शन सोच रखा है, क्योंकि एक और नाम की भी चर्चा हो रही है कि हो सकता है जिन्हें टिकट दिया गया है वो भी अपने टिकट को लौटा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इस पर आप जरूर राजस्थान में ऐसे दो उदाहरण हो चुके हैं, एक राजसमंद सीट हो चुकी है और दूसरी सीट जयपुर सिटी की अगर बात कर ले तो जयपुर सिटी में जो है वो सुनील शर्मा को टिकट दिया गया था, लेकिन किसी कारणवश वो वापस उन्होंने टिकट लौटा दिया, और आनंद फानन में जो है प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट दिया गया। अब आप देखिए कि राजसमंद में भी सेम तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, सुदर्शन रावत वो अब चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, अगर पार्टी ने उनको टिकट दिया है अब वो वापस टिकट लौटाना चाहते हैं। अब पार्टी के लिए एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आनंद फानन में कौन से चेहरे को ढूंढा जाए, क्योंकि अब चुनाव प्रचार करने के लिए भी जो है वो समय बहुत कम बचा हुआ है,
अब ऐसे में पार्टी किस कैंडिडेट को, किस चेहरे को वहां पर जातिगत समीकरण को देखते हुए टिकट देती है, वो एक देखने वाली तस्वीर होगी। ठीक है, एक सीट पर उम्मीदवारों के ऐलान की घोषणा बाकी है, वो है बांसवाड़ा, जैसा कि आपने भी पहले बताया। बांसवाड़ा को लेकर अगर बात की जाए तो उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है वहां पर बाप और कांग्रेस का गठबंधन हो, लेकिन क्या, कौन से नामों पर चर्चा हो रही है? चूंकि कांग्रेस के जो बड़े चेहरा रहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय पहले ही बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, ऐसे में किन नामों पर चर्चा की जा रही है? देखिए चंदा, अब बागड़ की अगर हम बात कर ले तो बागड़ में जो है बांसवाड़ा डूंगरपुर आते हैं, पूरा लगभग जो है वो 80% जो है वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र वहाँ माना जाता है, और हमेशा से केंद्र और राज्य की तमाम जो योजनाएं हैं सबसे ज़्यादा फलीभूत जो है वो बागड़ बांसवाड़ा में होती है। हालांकि अब देखिए कि आदिवासी अंचल में अब सबसे बड़ा चेहरा थे महेंद्रजीत सिंह मालविया, लेकिन अब वो बीजेपी के खाते में है, लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी कौवत जो कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है वो यही है कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा बड़ा चेहरा है। हालांकि यहाँ पर दो तीन बड़े चेहरे हैं, बड़े तो नहीं है, लेकिन अब कांग्रेस के सामने चुनौती बन चुकी है कि वो अगर बड़ा चेहरा नहीं है लेकिन फिर भी उतारना उनकी मजबूरी हो सकती है। पहला नाम मैं आपको बता दूं कि अरविंद सीता डामोर का नाम चल रहा है, वो युवा चेहरे हैं, अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी उनको बहुत ज्यादा जो है वो मेहनत करने की जरूरत है। इसके बाद जो है वो अतीत गरासिया है, वो भी कहीं ना कहीं इसमें दौड़ में नाम में चल रहे हैं। इसके साथ साथ पूर्व जो मंत्री हैं अर्जुन सिंह बामनिया, उनके बेटे हैं विकास बामनिया। देखिए अब यहाँ पर अर्जुन सिंह बामनिया लगातार जो है वो ये कह चुके हैं कि मेरी पार्टी या मेरे परिवार से कोई भी जो है वो यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन अब यहाँ पर बाप जो है वो लगातार आक्रमक होता हुआ जा रहा है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर देखना है होगा कि बांसवाड़ा सीट पर क्या गठबंधन होता है, और गठबंधन होता है तो किन नामों पर आखिरकार मुहर लगता है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस खबर पर लगातार जानकारी साझा करने के लिए। लोकसभा में अब एक महीने का समय शेष बचा है, दोनों ही पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 25 लोकसभा सीटों में से 24 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया, एक एक सीट है जो अभी उस पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात करें तो कांग्रेस की तरफ से सीकर में पहले ही सीपीआईएम के उम्मीदवार को उतार दिया गया है। अब वहीं बांसवाड़ा की बात करें तो कहा जा रहा है कि हो सकता है बाप और कांग्रेस का गठबंधन हो, और अगर गठबंधन होता है तो ऐसे तमाम बड़े नाम हैं जिन पर चर्चा लगातार की जा रही है। बढ़ेंगे आगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कक्षा 9 के इंग्लिश की पुस्तक के कवर पृष्ठ पर इंग्लैंड का ध्वज होने को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई है और इस मामले की जांच के आदेश दिए। शिक्षा मंत्री दिलावर ने कहा कि किस स्तर पर इस पुस्तक के प्रकाश का निर्णय हुआ, इसकी जांच की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा एक कक्षा 9 की वर्कबुक, जिसको रिमेडल वर्कबुक कहते हैं, वो छाप करके वितरण की गई। दुर्भाग्य है ये हमारे अधिकारी को ये ध्यान भी नहीं रहा कि इसमें हमारे देश का झंडा लगाया जाए या इंग्लैंड का झंडा लगाया जाए। उन्होंने इंग्लैंड के झंडे का चित्र इसमें छापा है, ब्रिटेन के क्लॉक टावर छापा है, और पता नहीं कहाँ चांद सितारे छापे हैं, और ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से ये चिन्ह बने हुए हैं टावर के ऊपर, उससे लगता है कि उन्होंने बाइबिल का चित्र भी छापा है। ये आपत्तिजनक है। दूसरा, जब इसकी जरूरत ही नहीं है बच्चों को, जब बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं, लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रही है, तब इस पुस्तक को वितरण हो रहा है। कहीं न कहीं कुछ अधिकारियों का मेलाफाइड इंटेंशन है, वेस्टेज इंटरेस्ट है, इसलिए कोई धन कमाने का षड्यंत्र लगता है। इसलिए मैंने हमारे जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर कुणाल शाह और हमारे डायरेक्टर हैं मिस्टर मोदी जी, इनको निर्देश दिए कि विस्तृत जाँच की जाए, राजस्थान सरकार के धन का दुरुपयोग करने का षड्यंत्र किसका था, कितना धन इसमें बर्बाद हुआ, और इनके लिए कौन कौन दोषी है, ये रिपोर्ट मैंने मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
अलवर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है। यादव के नामांकन के दौरान अलवर से पूर्व लोकसभा सांसद और वर्तमान में तिजारा से विधायक महंत बालकनाथ सहित पार्टी के कई अन्य नेता मौजूद रहे। भाजपा के चुनावी रणनीतिकारियों में गिने जाने वाले भूपेंद्र यादव पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन करने से पहले भूपेंद्र यादव ने अलवर में एक बड़ा रोड शो किया और साथ ही अलवर के कंपनी बाग में एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। कंपनी बाग की चुनावी जनसभा में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने दावा किया है कि राजस्थान में बीजेपी लोकसभा की 25 की 25 सीटें जीतने जा रही है। बालकनाथ जी, संजय शर्मा जी, जयराम जाटव जी, बलवीर छिल्लर जी, बल्कि हमारे बनाराम मीणा जी, भाई जय आहूजा जी, पार्टी के अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, उदय भाया जी, पूरी पार्टी के जिनके मैं नाम ले पाया नहीं ले पाया, सभी मेरे वरिष्ठ पार्टी के अलवर के नेताओं का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आकर के यहां पर मुझे अपना समर्थन प्राप्त दिया। हरियाणा अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि वो स्वयं यहां पर आए, और सबसे बड़ा अलवर के मेरे परिवारजन जिन्होंने मुझे अपना पूरी ताकत आज प्रदान करी है, आशीर्वाद देने लगभग 20,000 के करीब हमारी माताएं बहनें अपने गांव से खेतों से इतने जो लावणी का उनका पीक का समय है गीत गाती हुई अपने बसों में एक लोकतंत्र के त्यौहार के नाते जिस प्रकार से उनको आशीर्वाद देने के लिए आई हैं, ये आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। बड़े आगे बीकानेर लोकसभा सीट पर नामांकन दाखिल करने कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार साथ साथ पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल और कांग्रेस उम्मीदवार गोविंद राम मेघवाल दोनों ने निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस में अपने अपने पर्चे भरे। दरअसल दोनों को एक ही समय मिला था। अर्जुन राम मेघवाल के साथ मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, सुमित गोदारा, मेयर सुशील कंवर, राजपुरोहित विधायक सिद्धि कुमारी, अंशुमन सिंह भाटी, विश्वनाथ मेघवाल, ताराचंद सारस्वत, जेठानंद व्यास सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद राम के साथ पूर्व मंत्री बीटी खल्ला, सुशीला कुमारी बिश्ना, राम सियाग और देवेंद्र बिस्सा मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। सुशासन अर्थात डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, यही हमारे दो बड़े मुद्दे हैं जो 2014 से चल रहे हैं। भारत को विकसित भारत बनाना है, सुशासन तेजी से लाना है, विकास की रफ्तार बढ़ानी है, यही हमारे दो मुद्दे हैं जिसके आधार पर नरेंद्र मोदी जी की नीतियां पॉपुलर हुई है। आप अगर ये पूछना चाहते हैं कि बीकानेर में आगे 5 साल क्या करेंगे, बीकानेर में बहुत सी चीजें करेंगे जैसे विकसित बीकानेर बनाने का, लेकिन सबसे बड़ा काम बीकानेर को सेरेमिक हब बनाने का करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मरु नगरी बीकानेर में दो बड़े नामांकन हुए जिनमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से गोविंद राम मेघवाल की बात करें तो उन्होंने नामांकन किया, वहीं अर्जुन मेघवाल ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नामांकन दाखिल किया। भारी भीड़ जा रही, वहीं 5-5 आदमियों का प्रोटोकॉल है जो जिला कलेक्टर नम्रता वर्षनी के समक्ष रहा और तमाम तरह की आपाधापी के बाद में नामांकन दाखिल किया। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ ये जो परिसर है अभी भी यहाँ पर भरा हुआ नजर आ रहा है और यहीं पर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। बीकानेर का जिला कलेक्टर परिसर है। निश्चित रूप से आपको इसी तरह से और अपडेट देते रहेंगे। जल संसाधन मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का भरतपुर जाते समय वैर भुसावर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना में घपला करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि राजस्थान की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। देखो जिस तरह से पिछले 3 महीने के अंदर 4 महीने में हमारे जो सरकार ने भजनलाल जी के नेतृत्व में जो काम किया है और जो इतिहास लिखा है, विशेषकर जो भरतपुर जिला, धौलपुर, अलवर और जो 13 जिले पुराने थे जिनमें पीने के पानी से लेकर सिंचाई के जो पानी की जो योजना थी, तो 5 साल तक पिछली सरकार ने इसके बल के राजनीति की, वो काम हमने किया। इसके साथ साथ किसानों के हित के लिए हमने वादा किया था कि महंगाई कम करेंगे। महंगाई के लिए हमने डीजल और पेट्रोल की लगभग 3.5 रुपये से लेकर 6.5 रुपये तक हमने ये भी कम किया। जो जो वादे हमारे जो संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो तय किए थे हमारी सरकार ने, उसमें लगभग 45% हमने वादे पूरे किए, जिसकी गारंटी देश के प्रधानमंत्री मोदी।
सहारनपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन के दौरान प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे और उन्होंने नामांकन सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राघव लखनपाल शर्मा को भारी मतों से जिताने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने विपक्ष पर हमला बोला। आज हमारा प्रत्याशी का जो है नामांकन है और नामांकन जनसभा के अंदर हमारे उप मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक जी यहाँ पर आ रहे हैं। निश्चित तौर पे हम बहुत बड़ी जीत की ओर चल रहे हैं। रणनीति की बात यह है कि जो पिछली बार चीज हुई थी जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने मेहनत से और अपनी योजना के हिसाब से हम सब लोग पार्टी की प्रत्येक योजना को क्रियान्वित करते हुए अपने अभियानों को पूरा करते हुए हमने अपने आप में ये सिद्ध कर दिया है कि आने वाले टाइम के अंदर हम पांचों विधानसभाओं में लीड लेकर इस बार सबसे ज्यादा वोटों से लोकसभा जीतने वाले। निमका थाना जिले के उदयपुर वाटी कस्बे में लोकसभा चुनाव को मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला है। इस दौरान पुलिस के जवानों ने आम जनता से भयमुक्त और निष्पक्ष शांतिपूर्वक मतदान करने की अपील की और लोगों से इलाके में दिखने वाले संदिग्ध व्यक्ति और घटनाओं की जानकारी तत्काल पुलिस को देने की अपील की है। इस दौरान निमका थाना DYSP अनुज ढाल, BSF इंस्पेक्टर मेहर सिंह और पुलिस BSF के जवान मौजूद रहे। उदयपुर वाटी में फ्लैग मार्च किया गया जिसमें पुलिस और मैं निमसीओ निमका थाना SP साहब और आई साहब के निर्देशन में और इधर CPOs में BSF की एक कंपनी थी उसके माध्यम से हमने पूरे उदयपुर वाटी में मार्च किया जिसमें से बेसिक जगह मुख्य बाजार से होके 5 पत्ती जागीड़ कॉलोनी 3 नंबर चुंगी नई सब्जी मंडी और जयपुर रोड सर्किल तक का हमने पैदल मार्च किया। इसका बेसिकली उद्देश्य ये है कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो जो लोकसभा चुनाव है वो निष्पक्ष रूप से हो, स्वतंत्र चुनाव हो, मतदाता स्वतंत्र होकर अपना मत का भुगतान कर सके और भयमुक्त चुनाव हो, इसके संबंध में हमने ये फ्लैग मार्च किए। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कोटाबूंदी लोकसभा सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। SDM प्रशासन मुकेश चौधरी ने नामांकन को लेकर जानकारी साझा की है। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे कलेक्टर परिसर में CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार प्रहलाद गुंजाल 30 मार्च को और BJP उम्मीदवार ओम बिरला 3 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कोटा में फेज सेकंड के अंतर्गत चुनाव है जो नामांकन प्रक्रिया अपनी कल से 28 तारीख से चालू होगी। 28 तारीख से लेकर 4 तारीख तक इनमें जो 31 का संडे है और जो 1 तारीख का है उसमें छुट्टी रहेगा, बाकी सभी दिन सैटरडे वगैरह को इनको नामांकन अपने चालू रहेंगे। नामांकन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चारों तरफ CCTV कैमरे वगैरह लगा दिए गए हैं और प्रत्याशी जो भी नामांकन भरेंगे उनके साथ 4 दूसरे जो सदस्य हैं जिनको वो लेके आना चाहते हैं वो अलाउ हैं। नामांकन पत्र जांच करने के लिए अपन ने सारी टीमें गठित कर दी है, पूरी अपनी नामांकन सेल का गठन हो चुका है, साथ ही घड़ी वगैरह इनका अरेंजमेंट अपन ने कर लिया ताकि टाइम में किसी का नहीं रहे क्योंकि 11 से 3 के बीच नामांकन होना है और सभी कैंडिडेट को इस बारे में अपने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस बारे में सूचित भी कर दिया है, कल से नामांकन स्टार्ट होंगे। गोगामेडी के हत्यारों को NIA अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से पूछताछ के लिए जयपुर लाया गया जहां सुडाला थाने में लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों से पूछताछ की जा रही है। बता दें सुरक्षा की दृष्टि से सुडाला थाने को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। थाने के मेन गेट को लॉक लगाकर थाने के चारों ओर टेंट तिरपाल से ढक दिया गया है। इस पूछताछ में कई अहम खुलासे निकलकर सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि गोगामेडी के हत्यारे रोहित राठौर और नितिन फौजी को शराब कारोबारी को मारने का टास्क दिया गया था और बाल सुधार गृह से बाल अपचारियों को भगाने में भी इन्हीं दोनों का हाथ। राजस्थान की राजधानी जयपुर मुख्यालय पर कुछ महीने पहले सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। वहीं लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गे रोहित राठौड़ और नितिन फौजी ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था। वहीं NIA की पूछताछ में अब कई खुलासे हुए हैं। हालांकि इन दोनों को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन नितिन फौजी और रोहित राठौड़ ने एक सिग्नल ऐप के जरिए जयपुर के शराब कारोबारी को मारने का ठेका लिया था। वहीं 4 आरोपियों को हरमाड़ा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं एक बार फिर से तमाम पहलुओं पर NIA हरकत में आई है और नितिन फौजी और रोहित राठौड़ को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से सोडाला थाने पर लाया गया है। नितिन फौजी और रोहित राठौड़ जो कि लॉरेंस बिश्नोई के खासम खास गुर्गों में से माने जाते हैं, वहीं NIA लगातार उनसे पूछताछ कर रही है।
कई घंटों की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। वहीं आपने देखा होगा कि हाल ही में बाल सुधार गृह से भी कई बच्चे फरार हो चुके थे। उन बच्चों ने भी जो है वो हरियाणा के किसी एक कारोबारी को गोलियों से भून दिया था। वहीं लगातार अब लॉरेंस बिश्नोई की नजरें बाल सुधार गृह में जो बाल अपचारी हैं उन पर भी अब लॉरेंस गैंग की नजर थमती हुई नजर आ रही है। वहीं लगातार अब बाल सुधार गृह से भी बाल अपचारी बार बार भागने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहीं जल्द ही सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों को लेकर के अब रोहित राठौड़ और नितिन फौजी दोनों से एनआईए लगातार पूछताछ भी कर रही है और जल्द ही कई बड़े अहम खुलासे सामने होंगे। कैमरा सहयोगी कुलदीप के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। सहारनपुर के बिहारीगढ़ थाने में बेशकीमती सागवान, शीशम और आम के पेड़ों का अवैध तरीके से काटा जा रहा है। कल ही ग्राम कोडीखेड़ा में बना माली की अनुमति के दबंग ठेकेदारों ने रात के अंधेरे में 113 पेड़ काट लिए। जब सुबह खेत स्वामी मौके पर पहुंचा तो ठेकेदारों ने उसके साथ हाथापाई की और उसे जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद मालिक ने मौके पर पुलिस को बुला लिया और वीडियो दिखाई, जिसके बाद उपजिलाधिकारी दीपक कुमार मौके पर पहुंचे और उन्होंने वन विभाग और बिहारीगढ़ पुलिस को कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। मेरे पास इनका मोहम्मद उमर का जो फोन आया था कि साहब यहाँ पे मेरे खेत से और कुछ दूसरे खेत से कुछ सागौन के पेड़, कुछ आम के पेड़ और अन्य पेड़ काटे गए हैं जिनकी कोई अनुमति भी नहीं है और मेरे खुद के खेत से भी काट लिए हैं और मैं इनको रोक रहा हूँ तो मेरे साथ ये लोग मारपीट कर रहे हैं। तो मेरे द्वारा तत्काल सीओ साहब और को फोन किया गया और पुलिस भेजी गई यहाँ पे, 100 नंबर पुलिस आई भी थी। इसके बाद वन विभाग को सूचित किया गया, अपने लेखपाल को सूचित किया गया, सभी लोग यहाँ पे आ गए हैं और कार्रवाई करवा रहे हैं इसमें जो है, और मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया गया। खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां सदर थाना इलाके के दापनगरा अरोड़ा में दो दिन पक्षों में विवाद हो गया था, जिसके बाद आपसी कहासुनी में फायरिंग हो गई। इस दौरान दो लोगों को गोली लग गई जिनका इलाज जयपुर के एसएमएस अस्पताल में चल रहा है। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं अब तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे लोगों में आक्रोश है। जयपुर के रोडवेज डिपो के जेडीएम पवन कुमार ने प्रतापगढ़ रोडवेज डिपो परिसर का निरीक्षण किया और इस दौरान रोडवेज परिसर में सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा गार्ड सहित मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश चीफ मैनेजर को दिए। जेडीएम पवन कुमार को रोडवेज के स्टाफ की सैलरी डिपो में बसों की कमी, कंडम बसें कई मार्ग पर बंद पड़ी बसें, रोडवेज बसों की कार्यशाला में मैकेनिक की कमी के बारे में अवगत कराया गया। उधर कोटा में कोचिंग छात्र के सुसाइड करने के बाद उसके परिजन कन्नौज से कोटा पहुंचे हैं, जहां पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं मृतक छात्र के पिता का कहना है कि जिस फ्लैट में रह रहा था जिसमें एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगा हुआ था, अगर पंखे में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगा होता तो छात्र की जान बच जाती। फिलहाल विज्ञान नगर पुलिस सुसाइड प्रकरण की जाँच कर रही है। थाने पर सूचना मिली थी कि किसी लड़के ने जहाँ सुबह बिल्डिंग में रहता है उसने सुसाइड कर लिया, जिस पर हमारे टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। एफएसएल टीम बुलाकर मौके पर जो भी साक्षी थे वो एकत्रित किए गए और इनके परिजनों को सूचित किया। परिजनों की रिपोर्ट पे कल शाम को हमारी रिपोर्ट दर्ज करी, आज बॉडी का पोस्टमार्टम करा के और बॉडी सपोर्ट करो परिजनों को कर रहे हैं। क्या संदेह लग रहा है? खबर भरतपुर के रूपवास से है, जहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। घायल पति पत्नी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। घटना के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली चालक ट्रैक्टर को छोड़कर मौके से फरार हो गए। जरिए कंट्रोल सूचना मिली कि जरेला के पास एक्सीडेंट हो गया, जिस पर मैं राकेश कुमार एसआई में जाप्ता के मौके पर पहुंचा, जहां पर ट्रैक्टर और बुलेट मोटरसाइकिल में आमने सामने एक्सीडेंट हुआ पाया। यहाँ पर दो मृतक थे, जिसमें एक का नाम बबलीस पुत्र सुरेश कुमार, दूसरा है पूजा वैभव बबलीस, जाति कुशवा, गांव ढाना के रहने वाले थे। बुलेट मोटरसाइकिल और मैसी ट्रैक्टर में आमने सामने एक्सीडेंट हुआ, जिनकी डेड बॉडी को ला करके सीएससी बास में लेकर आए, जहाँ उनका पोस्टमार्टम कराया और आवागमन चालू है।
खबर झालावाड़ के बुकानी थाना क्षेत्र से है, जहां थोपड़ी दिया गांव में एक स्कूल और मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर पहले स्कूल के स्मार्ट क्लास में घुसकर वहां लगे स्मार्ट टीवी, लैपटॉप, सीपीयू और साइकिल सहित दर्जनों सामान लेकर फरार हो गए। चोर इतने शातिर थे कि सीसीटीवी कैमरे भी खोल कर दिए गए। इसके बाद उन्होंने मंदिर में जमकर दान पेटी से सारा धनराशि चुरा लिया। सूचना पर पहुंचे पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बारा जिले के आपराधिक तत्वों के हौसले बुलंद है। लुटेरों ने यूको बैंक में दिन दहाड़े गन पॉइंट पर 10 लाख से ज्यादा रुपए पर हाथ साफ कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने टीम मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रखी है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बाकी और भी खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।